नमस्कार, हमारा प्रयास हमारी चाह कृषि ज्ञान विज्ञान से सुगम हो खेती की राह। किसान भाइयों बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग एवं मैं डॉक्टर सुनीता यादव वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को पूसा संस्थान द्वारा विकसित काला नमक की उन्नत किस्मों एवं लौकी में समसामयिक क्रियाओं की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँचे। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लगातार खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में धान की काला नमक प्रजाति काफी प्रचलित है। यह चावल स्वाद एवं सुगंध के लिए जाना जाता है। पूसा संस्थान ने काला नमक की परंपरागत प्रजाति को सुधार करके उन्नत किस्मों का विकास किया है, जिस पर हमारे संस्थान के निदेशक महोदय ने उन्नतशील किसान से विस्तार से परिचर्चा की। आइए आपको दिखाते हैं काला नमक प्रजाति पर यह खास परिचर्चा। पूसा समाचार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक कुमार सिंह, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में एक विशेष प्रकार के चावल की खेती होती है, जिसको हम काला नमक के नाम से जानते हैं, और इस चावल को भगवान बुद्ध की देन उस क्षेत्र के लिए माना जाता है। यह चावल अपनी स्वाद सुगंध के लिए बहुत ही ख्याति प्राप्त है, एक धरोहर है पूर्वी उत्तर प्रदेश की। लेकिन जो काला नमक की परंपरागत प्रजाति होती है, वो काफ़ी लंबी होती है, अक्सर गिर जाती है, जिसकी वजह से इसकी पैदावार काफ़ी कम आती है। मुश्किल से 20 से 25 क्विंटल एक हेक्टेयर में पैदावार इसकी आती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूसा संस्थान में हम लोगों ने करीब आज से 12-15 वर्ष पूर्व शोध कार्य शुरू किया, और जिसमें हमारा लक्ष्य था कि किस प्रकार से हम काला नमक की परंपरागत प्रजाति की ऊँचाई को कम करें, इसको गिरने से बचाएं और इसकी पैदावार बढ़ाएं। फलस्वरूप करीब इतने वर्षों के प्रयास के बाद हम लोगों ने दो किस्में विकसित की, जिसमें पूसा नरेंद्र काला नमक 1 और पूसा CRD काला नमक 2। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये दोनों किस्में विमोचित की गई हैं, और इनके खेती की संस्तुति पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिले, जिसमें कि आपका गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज आदि आते हैं, और इन्हीं क्षेत्रों में इसकी खेती की जा सकती है, उससे हमको अच्छी गुणवत्तापूर्ण चावल प्राप्त होगा। आज हमारे साथ एक किसान आए हैं जिनका नाम है सिराज अहमद, और मैं इनसे आपका परिचय करवाना चाहूँगा। और ये रहने वाले हैं बस्ती ज़िले के, वैसे इनकी खेती गोंडा में भी है, और ये पिछले वर्ष जो है काला नमक की खेती, विशेषकर जो पूसा नरेंद्र काला नमक 1 किस्म थी, इसकी खेती इन्होंने 25 एकड़ में की थी। आइए जानते हैं इनसे इनका क्या अनुभव इस किस्म के बारे में रहा है। अहमद जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप जो है अपने साथ ये चावल लेकर के आए हैं, पूसा नरेंद्र काला नमक 1 का चावल है, और इसको खोल के मैं जब इसको सूंघ रहा हूँ तो इसमें क्या खुशबू है, इसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत बहुत बधाई इतना बढ़िया इसकी खेती करने के लिए और चावल पैदा करने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इसकी खेती कितने क्षेत्रफल में की है, कहाँ कहाँ की है, कितनी इसकी पैदावार मिली, और इसके बारे में आपके क्या अनुभव रहे हैं इस किस्म के बारे में। सबसे पहले साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है
हम और हमारे पूर्वे मतलब पूर्वांचल के किसानों की तरफ से आपने अपने अथक प्रयास से इन दोनों वैरायटियों का विमोचन करवाया। साहब ये हम तीन जनपदों में सिद्धार्थनगर, बस्ती और गोंडा, तीनों जगहों पे हमने इसकी खेती की थी 25 एकड़ में। तीनों जगह मिला के 25 एकड़ में खेती जी, थी आपने। जी। और देखने का मकसद ये था कि जैसे साहब एक पहले कहा जाता था कि सिद्धार्थनगर का ही काला नमक सबसे अच्छा होता है जी, तो हम देखने के लिए इसलिए इसको किए कि बस्ती में इसकी गुणवत्ता क्या है, सिद्धार्थनगर में गुणवत्ता क्या है, गोंडा में गुणवत्ता क्या है। लेकिन जब हम तीनों जनपदों में इसकी खेती करना शुरू किए तो हमें सिद्धार्थनगर के बराबर बस्ती में और गोंडा में दोनों में गुणवत्ता मिली जी। जी और ये जो चावल लेकर के आप आए हैं जी, जिसको मैं सूंघ करके भी बता रहा था कि बहुत अच्छी खुशबू है, ये कहाँ का उत्पाद है? ये बस्ती जनपद का उत्पाद है। बस्ती जनपद जी, और जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, मिठास भी बहुत अच्छी है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। साहब कितनी पैदावार आपको मिली थी इसकी जो है? इसकी साहब प्रति एकड़ में हमें 18 से 20 क्विंटल पैदावार मिली है। और ये करीब 25 एकड़ में जो आप लगाए थे उसका औसत मान करके चलें इतना करीब 18 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ की जी, एक हेक्टेयर में 45 से 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज हमको तीनों जनपदों में जो हमने रेशियो निकाला है वो हमें मिला है साहब। तो ये तो जो परंपरागत काला नमक किस्म थी उसकी तुलना में पैदावार बहुत अच्छी है, बहुत दुगुनी तिगुनी है साहब ये जी। और बधाई हो आप सबको साहब। तो आपको क्या लगता है किसान इसकी खेती करना पसंद करेंगे? अरे साहब हमारी तो आय दुगनी हो गई जी, हमारी तो स्वतः हो गई साहब। क्या रेट मिला था आपको बाजार में, रेट क्या मिला था? 52 रुपया किलो धान बिका हम लोग का सर। 52 रुपये किलो धान बिका, मार्केट खुला 52 रुपये में। अच्छा। बंद कितने में होगा साहब? जैसे जैसे मांग होगी उस हिसाब से उसकी वो। तो आप इसके चावल को आप कह रहे हैं कि इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, इसको आगे प्रचार प्रसार के लिए आप अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं? मैंने देखा कि आपने बड़ी अच्छी ब्रांडिंग की है इसकी जो है, और इस पर आपने लिखा है पूसा नरेंद्र काला नमक एक, खुशबू बेमिसाल, स्वाद लाजवाब, और प्रगतिशील किसान सिराज अहमद विलेज और पोस्ट बांसखोर कला बस्ती यूपी से। तो अब ये जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अब हमने चेक करने के लिए कम से कम 5-6 कुंटल चावल तोड़वाए इसका जी, तो तोड़वा के 250-250 ग्राम की पैकेट बना के काला नमक खाने वाले लोग उनके वहाँ 250-250 ग्राम की पैकेट बना के हमने भेजा, तो वहाँ से बहुत अच्छी इसकी रिक्वायरमेंट आई है। अभी हमने 30 किलो चावल बम्बई भेजा है। जब किसान उत्पादन करेगा तभी चावल बनेगा। तो आपने 25 एकड़ में लगाया था तो आपके पास धान काफ़ी, अभी भी आपके पास धान होगा बेचने के बाद भी? कुछ बाजार में बेच दिया होगा, कुछ आपने रखा होगा। मेरा तो अनुरोध आपसे रहेगा कि जो भी आपके पास उत्पादन हुआ है उसको हम बीज के रूप में प्रयोग करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम फैलाने का प्रयास करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इसका लाभ पहुँचे। इसीलिए साहब हमने इसको तोड़वाया नहीं जी, वैरायटी को समझ के कि हम अगर इसको चावल बना देते हैं तो वैरायटी हमारी किसानों तक नहीं पहुँचेगी, तो फर्स्ट को हमने सजो के रखा है और सेकंड का हमने ही चावल बनवाया साहब। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी लगन के साथ काला नमक की खेती कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो ये किस्म है इसका बीज का उत्पादन हम लोग जो है कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती, कृषि विज्ञान केंद्र सिद्धार्थनगर और महायोगी गोरक्षनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौकी माफी में भी बड़े पैमाने पर किए हैं, और बहुत सारे किसान हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस किस्म के बीज उत्पादन में। सिराज अहमद के पास भी बीज काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, और मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस किस्म को निश्चित रूप से लगाएं और इसकी खेती से लाभ प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी खेती संपूर्ण भारत में प्रमुख रूप से की जाती है। अच्छी उपज एवं अधिक आय लेने हेतु लौकी उत्पादन में किसानों को किन समसामयिक क्रियाओं का ध्यान रखना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर जे के रंजन। गर्मी की फसल की बुआई फरवरी माह के अंत में या मार्च के प्रथम सप्ताह में किया जाता है। गर्मी के मौसम में अगेती फसल लेने हेतु आप इसकी पौध पॉली हाउस में तैयार करके सीधी रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए प्लास्टिक बैग या प्लग ट्रे में कोकोपीट, वर्मिकुलाइट तथा परलाइट को 3:1:1 के अनुपात में मिलाकर इसे प्लग ट्रे में भर के इसकी बिजाई करते हैं। इस तरह से दिसंबर माह में इसकी बिजाई करके फरवरी माह में रोपाई कर सकते हैं। बरसात की फसलों की बिजाई जून के अंत में अथवा
जुलाई के प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं। अच्छी उपज के लिए किसान भाई हमारे संस्थान द्वारा विकसित किस्में जैसे कि पूसा नवीन, पूसा संतुष्टि एवं पूसा संदेश तथा संकर किस्में पूसा हाइब्रिड 3 लगा सकते हैं। इस फसल की बिजाई या रोपाई खेत में नाली बनाकर करते हैं। जहां तक संभव हो नाली उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाए तथा पौध या बीज की रोपाई नाली के पूरब में करें। गर्मियों में नाली से नाली की दूरी 3 मीटर तथा बरसात में 4 मीटर रखें। पौध से पौध की दूरी हमेशा 90 सेंटीमीटर तक ही रखें। खेत में पौधों के 2 से 3 पत्तियों की अवस्था में लाल कीड़े जिसे कि हम रेड पंपकिन बीटल भी कहते हैं का प्रकोप बहुत अधिक होता है। इससे बचाव के लिए किसान भाई डाइक्लोरोफॉस नाम की दवा 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाई इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि इस कीड़े को मारने के लिए आप सूर्योदय से पहले ही छिड़काव करें। सूर्योदय के बाद यह कीड़ा जमीन के बीच दरारें होती हैं उसमें छुप जाते हैं। जहां तक संभव हो बरसात के मौसम में फसल को मचान बनाकर उगाएं। इससे बरसात में पौधों की गलन की समस्या कम होती है एवं उपज भी अच्छी होती है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। बहराइच उत्तर प्रदेश से सूरज सिंह ने गुलदाउदी के पौधों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में माहू यानी एफिड का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु इंडाक्लोप्रिड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मयूरभंज ओडिशा से अंशुमन सरकार जी ने कटहल के पत्तियों में छोटे छोटे लाल एवं भूरे धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ स्पॉट रोग का प्रकोप हुआ है। रासायनिक नियंत्रण हेतु रेडोमिल गोल्ड की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। झज्जर हरियाणा से जगवीर जी ने तरबूज के पत्तियों के जाली नुमा होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सुबह के समय डाइक्लोरोफॉस या कार्बोसल्फान की 200 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से अमर संगीत जी ने मूंग में पत्तियों के पीला पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोज़ेक वायरस रोग का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोरपिट की 60 से 70 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 3 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 3 और 4 मार्च को बिहार, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगई पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में 3 से 5 मार्च के दौरान, छत्तीसगढ़ में 3 से 6 मार्च के दौरान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 3 मार्च को सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में तथा अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ बर्फबारी की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।